Hi friends, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you forfeiture and ratio of share practical problem. That example is XYZ Limited forfeited 200 equity share of which 10 each issued at a premium 5 per share held by Shyam for non-payment of allotment money of Rs. 8 per share including premium Rs. 5 per share. First call of Rs. 2 per share and final call of Rs. 3 per share. Out of this, 120 equity share were raised to Bhajan Lal at the rate of Rs. 9 per share, fully paid up. Give the necessary journal entry and forfeited and ratio. अब क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग होता क्या है. क्वेश्चन में कह रही है कंपनी कि कंपनी के पास 200 शेयर था और एक शेयर की प्राइस कितने की है, 10 रुपीज की है और प्रीमियम कितने का है, 5 रुपीज के हिसाब से. अगर तो नंबर ऑफ शेयर कितना है इसके पास, 200 शेयर है, 200 शेयर्स है और कंपनी क्या कह रही थी, 200 शेयर है यहां पे और एक शेयर की प्राइस कितना बता रही है, एट द रेट ऑफ रुपीज 10. ओके, अब कंपनी कह रही है कि एक शेयर होल्डर है तो कंपनी ने जो मांगा था कितने से, 10 रुपीज प्लस 5 कितना हुआ, 15 रुपीज. 15 रुपीज में कंपनी ने जो कॉल किया हुआ था उसमें से अलॉटमेंट उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. फर्स्ट कॉल रुपीज कितने रुपीज का था, 8 रुपीज का. सेकेंड कॉल कितने की बता रही है, 2 रुपीज, सॉरी फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट 8 रुपीज का, फर्स्ट कॉल कितने रुपीज का है, रुपीज टू. सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने का है, रुपीज 3 का है. और नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने थे, 200 से. अब यहां पे ये देखते हैं कि अलॉटमेंट में अगर कुछ नहीं दिया तो अलॉटमेंट में इसने बताया कि अलॉटमेंट में कितने रुपीज का प्रीमियम था, 5 रुपीज का. अब अगर प्रीमियम के अमाउंट अनपेड है, अगर प्रीमियम के अमाउंट अनपेड है तो हमारे फॉरफेयर में क्या आएगी, प्रीमियम आएगा. तो अब इसके लिए जो कंपनी जो जनरेटी करेगी अपने आप में, तो पहली जनरेटी क्या होगी, कंपनी के यहां पर जो जनरेटी होगी वो क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स. और किसका इससे नहीं पेमेंट किया था, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल का. तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. अब देखिए यहां पे क्या आती है, हमेशा जो भी आएगी यहां पे क्या आएगा, अनपेड कॉल आती है. अनपेड कॉल में कौन कौन सा हो गया, इक्विटी से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल. ओके, अब नंबर ऑफ शेयर कितना था, 200. कंपनी ने पूरे का पूरा कॉल किया है, यानी 200 × 10 कंपनी के पास जितना अमाउंट आएगी वो किसके बेसिस पे आएगी, 200 × 10 के हिसाब से अगर देखते हैं तो कितना अमाउंट आना चाहिए यहां पे कंपनी के, यहां पे 200 × 10 यहां पर कितना आएगा, 200 × 10 2000. प्रीमियम कितने का था, प्रीमियम थी 5 रुपीज की थी, तो 200 × 5 1000. अब अलॉटमेंट कितने रुपीज का दिखाया गया था, 8 रुपीज का, यानी अलॉटमेंट में कितने से आएगा, 200 × 8 1600. ओके, अब देखिए फर्स्ट कॉल कितने का था, 2 रुपीज का, तो 200 × 2 400. सेकेंड फाइनल कॉल कितने का था, 3 रुपीज का, तो 200 × 3 600. ओके, अब देखेंगे अगर ऐसे भी देखा जाए तो कंपनी मांगी थी 15 रुपीज तक टोटल और कितने का यूज, कितना नहीं मिला उसको, 13 रुपीज. कैसे, 8 + 2 = 10, 10 + 3 13. अब मिला कितना उसको,
₹2 थे, यानी यहां पे जो फॉरफिट की अमाउंट आ रही है कितनी आएगी 200 into 2 400। या बैलेंस शीट के भी निकाल सकते हैं कि 3000 माइनस कितना 2600 इज इक्वल टू 400। अब इस टाइप से देखते हैं कि कंपनी जब प्रॉफिट की है कितने से प्रॉफिट करी, नंबर ऑफ शेयर कितना है 200, तो नरेशन क्या हो गया बीइंग 200 शेयर प्रॉफिटेड। अब कंपनी कह रही है कि उसी में से कंपनी ने 125 इक्विटी शेयर को इशू किया हुआ है, कितने रुपीस में 9 रुपीस में इशू किया रही है और फुली पेड अप में, तो 125 शेयर को इशू कर रही है तो नेक्स्ट डेट क्या जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अब कंपनी कितने शेयर को इशू कर रही है, कंपनी कह रही है कि 125 इंटू 9 रुपीस में किया तो प्रॉफिट में कितना आएगा 125 into 1 और कैपिटल में कितना आएगा 125 into 10, क्योंकि फुली पेड अप की बात है तो कंपनी ने पूरा कितना मांगा था 10 रुपीस से। तो अब देखिए तो इक्विटी शेयर बैंक में कितना आएगा 125 into 9 1125। okay? अब फॉरवर्ड में कितना आएगा 125 into 1 125, कैपिटल में कितना आएगा 125 into 10 1250। यानी कंपनी ने कितने शेयर को प्रॉफिट किया था, कंपनी ने 200 शेयर को प्रॉफिट किया है और कंपनी उसमें से रीइशू कितना कर रही है 125 शेयर को रीइशू कर रही है। ठीक है, तो बीइंग फॉरफिटेड 125 शेयर रीइशू बीइंग फॉरफिटेड 125 शेयर्स रीइशू। अब देखते हैं कि कंपनी को जो प्रॉफिट की है उसमें कोई कैपिटल रिजर्व हुआ है या नहीं है। तो अब देखिए कि एक कंपनी को एक शेयर पे मिला कितना था प्रॉफिट की अमाउंट 2 रुपीस से, लेकिन कंपनी ने एक शेयर पे यूज कितना किया 1, यानी टोटल रिमेनिंग कैपिटल प्रॉफिट का एक शेयर पे कंपनी का कितना हो गया है 1 रुपीस का, यानी जो कैपिटल प्रॉफिट हो रही तो कहां ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में। तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ठीक है। इसको करने के दूसरे तरीके भी देख सकते हैं कि 200 शेयर पे आया था कितना 400, तो 1 शेयर पे कितना आ गया तो 400 डिवाइडेड बाय 200 कहेंगे तो पर शेयर कितना आएगा 2 रुपीस, और कंपनी रीइशू में यूज कितना कर रही है 125, तो 125 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 250, और कंपनी उसमें से यूज कितना कर ली 125, तो भी बैलेंस शीट कितना आएगा 125। या दूसरे हिसाब से कर सकते हैं कि कंपनी को एक शेयर पे मिला था 2 रुपीस के हिसाब से, कंपनी ने यूज किया है कितना 1 रुपीस के हिसाब से यूज कर दी है, तो रिमेनिंग कैपिटल प्रॉफिट कितना है पर शेयर कंपनी के पास 1 रुपीस बचा हुआ है, तो 1 रुपीस के हिसाब से क्या हो गया उसकी कैपिटल प्रॉफिट में जा रहा है, तो प्रॉफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने से 125 से 125 मैसेज क्या हो गया बीइंग गेन ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ये तो थी कि प्रॉब्लम था कि कंपनी जब प्रॉफिट कर रही है प्रीमियम की कंडीशन में कैसे होता है, तब की कंडीशन में कंपनी ने जो प्रॉफिट किया फिर उसे रीइशू कर रही है। अगर आपको ये चीज अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।